पिक्चर आराम से करेंगे ना, कोई टेंशन नहीं. सबसे पहले तो मैं आप लोगों को मिलाना चाहूँगा अद्वैत से. अद्वैत जो हैं ये सीक्रेट सुपरस्टार के राइटर और डायरेक्टर हैं, और आकाश से, आकाश इज फ्रॉम जी स्टूडियो. सिट. तो आप लोग हमेशा कंप्लेन करते हैं, ज्योति यू कीप कंप्लेनिंग ऑल द टाइम कि दो साल के बाद आपकी फिल्म आती है. बसा हाँ, आप लोग कंप्लेन करते हैं कि दो साल के बाद मेरी फिल्म आती है, तीन साल के बाद आती है. तो अब फॉर अ चेंज विद इन 8 months मेरी फिल्म आने वाली है. तो आई होप यू आर सेटिस्फाइड अबाउट दैट, एंड आई एम वेरी हैप्पी. एंड आई एम वेरी हैप्पी मैम, आई एम वेरी हैप्पी कि ये फिल्म हमें करने का मौका मिला है. एंड वी आर हैप्पी टू टॉक टू यू अबाउट दिस लिटिल वेंचर ऑफ आवर्स. क्या था सवाल आपका? आप सर किस किरदार में आने वाले हैं, क्योंकि लाइक और टेस्ट चेंज करो वगैरह देख करके? मेरा बहुत ही इंटरेस्टिंग कैरेक्टर है इस फिल्म के अंदर. इस फिल्म का नाम है सीक्रेट सुपरस्टार जी, और अगस्त में आ रही है, अगले साल 4 अगस्त को आ रही है. ये फिल्म अद्वैत ने लिखी है और डायरेक्ट की है, आमिर खान प्रोडक्शन ने प्रोड्यूस की है. और इसमें जो मेरा किरदार है, दाल में जो तड़का होता है ना, तड़का, वो मेरा कैरेक्टर तड़का है एक्चुअली दाल में. और इस लुक के पीछे किसका आइडिया था, जो आपने स्पेसिफिक लुक लिया था, जिसकी तस्वीरें भी पिछले दिनों में एक दो आई? जी हाँ, जब मैं शूटिंग कर रहा था कहीं कहीं नजर आया था मैं. लेकिन ये लुक जो है, ये तो सब अद्वैत जी ने क्रिएटिवली निकाला है मुझ में से कि लुक क्या होनी चाहिए. इंटरेस्टिंग लगी लुक आपको? वेल, एज आई वाज सेइंग, द स्टोरी एसेंशियली अबाउट दिस गर्ल, 14-year-old गर्ल एंड हर मदर एंड देयर रिलेशनशिप. सो द मेन स्टोरी इज अबाउट दीज टू, बट आई एम अ वेरी इंटेग्रल पार्ट ऑफ द फिल्म, अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ द फिल्म. एंड जैसे मैंने कहा, जैसे दाल में तड़का होता है ना, दाल में, दाल पूरी पतीली दाल बनती है, उसमें तड़का जो डालते हैं वो दाल के साइज का नहीं होता, लेकिन तड़के के बगैर दाल का मजा नहीं आता. सो आई एम द तड़का इन द दाल. Superstar seems to be a very interesting concept. Where did you draw inspiration from? Like whatever we saw now. It's a bunch of things actually. Inspiration काफी जगह से आई. But मैं आपको एक दूसरा कुछ बताना चाहूँगा कि जो पहले ये idea सुना, वो idea किरण ने सुना था. और मेरे माइंड में ऐसे ही एक आइडिया आया था. मैं आमिर सर और किरण मैम के साथ एक हॉलीडे पे गया था, उनकी हॉलीडे पे, और मुझे ये आइडिया आया था. और ऐसे आइडियाज़ तो रोज आते रहते हैं, बट यू नेवर एंड अप फिनिशिंग इट, यू नो, बिकॉज इतना कॉन्फिडेंस नहीं होता. तो अगली सुबह मैंने एक आइडिया किरण को बताया था, एंड किरण इज़ द वन हु एनकरेज मी फ्रॉम द आइडिया टू द स्क्रीन प्ले, यू नो, शी रियली हेल्प मी. सो आइडिया तो मुझे ऐसे ही एक आ गया था, एक लड़की का जिसे गाना है, बट किरण रियली हेल्प मी टू फिनिश द स्क्रीन प्ले एंड टेक इट टू आमिर सर. एंड अनफॉर्चुनेटली किरण इज बिजी टूडे एंड शी कुडंट कम हियर, बट आई एम रियली रियली मिसिंग हर. सो आइडिया तो ऐसे ही आ गया था, बट जो इंस्पिरेशन थी और जिसने मुझे हेल्प किया थ्रू आउट, एनकरेज किया टू राइट दिस इन टू अ स्क्रीन प्ले, किरण. आई डोंट रिमेंबर द नेम्स प्रॉपरली, मुझे नाम याद नहीं रहता. Also, one more thing, you know, recently we heard a lot of news reports about Dangal being, you know, planned to be dubbed in Tamil, and you being, you approaching Rajinikanth for the same. Is that true? Is that not true? Could you just... Well, the film is being dubbed in Tamil and Telugu. And yes, I did approach Rajini sir. Rajini sir loved the film. He really loved the film. And after discussing with him, both he and I felt that his voice is too recognizable. बहुत इतने फेमस हैं रजनी सर की, उनकी वॉइस इतनी रिकग्नाइजेबल है, तो मेरे चेहरे पे उनकी आवाज़ शायद सूट नहीं होती. आई ऑल्सो फेल्ट दैट, ही ऑल्सो फेल्ट दैट आफ्टर डिस्कसिंग. आलसी होने से क्रिएटिव होता है वो पता नहीं, लेकिन मुझे मज़ा बहुत आता है आलसी होने में. आपका पहला सवाल क्या था? टैक्स फ्री है. तो देखिए, यूपी में हमें बड़ी खुशी हुई सुन के कि टैक्स फ्री हो चुकी है हमारी फिल्म दंगल. और मैं आपको यकीन दिलाता हूँ कि इसका पूरा जो फ़ायदा है टैक्स फ्री होने का, वो कंज्यूमर, मतलब ऑडियंस को ही जाएगा. हमने सारे स्टेट्स में, मतलब कई स्टेट्स हैं जहां टैक्स एग्जेम्पशन के लिए हमने अप्लाई किया है. 10-12 स्टेट्स हैं शायद जहां डिज्नी ने, जो डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी है, उन्होंने हर जगह अप्लाई किया है. जैसे यूपी में भी अप्लाई किया, हमने हर जगह अप्लाई किया है. और हमें उम्मीद है कि जब जैसे जैसे वो प्रोसेस आगे बढ़ेगा, इस फिल्म को टैक्स फ्री हो पाएगी, और इसका फ़ायदा कंज्यूमर को होगा, इसका फ़ायदा ऑडियंस को होगा कि वो ये फिल्म और सस्ते में देख पाएंगे. हम चाहते हैं कि ये फिल्म ज़्यादा से ज़्यादा लोग देख पाएँ, ये हमें बड़ी खुशी होगी इससे.
और आलसी का क्या सवाल था? मैं जवाब दे दूं प्लीज, सॉरी। हाँ अच्छा, इनको जवाब दे दीजिए। सॉरी, क्या मैंने 4-5 साल मैनेज किया तो कितने आलसी मुझे पता है। तो आप वो एक आमिर जी का वीडियो है यूट्यूब पे फिट टू फैट, वो देख लीजिए, अगर आपको उसके बाद लगता है आलसी है फिर पूछना आप, क्योंकि वो वीडियो देख देख के मैं थक जाता हूँ यार, शर्म आती है, इतना मेहनत करता है आदमी। तो अगर आपको लगता है आलसी को, प्लीज वीडियो देख लीजिए आप। जी जी जी, नहीं मैं तो सिर्फ इतना ही कहना चाहूँगा कि जिस समय हमने ये स्क्रीन प्ले सुना और जिस समय हमने ये कहानी सुनी, हम चाहते थे कि हम जुड़ जाएं ये कहानी लोगों को बताने में। और अगर आमिर खान प्रोडक्शंस के साथ में जुड़े तो आपको पता है कि एक तरीके की फिल्म आएगी, एक क्रेडिबिलिटी की फिल्म आएगी। तो मैं तो यही कहूँगा कि हमारे लिए भी एक बहुत ही बड़ा लर्निंग एक्सपीरियंस है आमिर सर के साथ जुड़ना। और काफ़ी सवाल मैं सुन रहा था यहाँ पर, बट मैं आपको इतना कह सकता हूँ कि आलसी या नहीं आलसी मुझे नहीं पता, मैं आमिर सर को इतना करीबी से नहीं जानता, बट इस फिल्म जब से हमने सुनी है और जब तक ये आई है और आएगी और जब तक उसकी जितनी भी डिस्कशंस हुई हैं, जो बारीकियों पर ये काम कर रहे हैं और जिस तरीके से अद्वैत इस फिल्म को ड्राइव कर रहे हैं, मेरे हिसाब से इट्स एन एक्सपीरियंस दैट वी आर डेफिनेटली लुकिंग आउट फॉर टिल 4th August। तो नहीं वाकई मैंने देखी नहीं तो मैं कैसे बताऊं। देखिए डियर जिंदगी, जहां तक मेरा ख्याल है जो मैंने प्रोमोस देखे हैं, इट इज अबाउट अ मॉडर्न गर्ल, सिटी गर्ल, सही कह रहा हूं मैं? हाँ, मॉडर्न सिटी गर्ल की कहानी है ये। कहानी एक छोटे शहर की है, ये लड़की एक छोटे शहर से है, बड़ौदा से है, तो इट इज अ टोटली डिफरेंट बैकड्रॉप। उनका उनकी जिंदगी अलग है, उनकी सच्चाई अलग है, तो आई थिंक इट्स गोइंग टू बी अ वेरी डिफरेंट फिल्म। Secret Superstar is what we have seen is like, you know, about the aspirations of a girl, you know, who's trying to be a singer. Huh. And the complications that she faces from his challenges she faces from her family. Mm. What about your kids? Your son is studying abroad, something yeah. related to filmmaking. What about their aspirations? Well, he's studying theater. Okay. He's very interested in theater. And your daughter? My daughter is right now planning not to study. She is going my route. Huh. Of course I will help them. Why not? I mean, I will not help them beyond what a normal person should help, because if I feel that they are talented and they deserve help, agar main mujhe lagta hai ki unme talent hai aur unko wo deserving hai, tab zarur main unko help karunga. Agar mujhe lagta hai ki wo deserving nahi hai, to main unko bataunga bhai ki aap deserving nahi hai. To main help us kisim ki help nahi karna chahunga, jo matlab nadan dost nahi banna chahunga main apne bachchon ka. Unke paas aaya hu utna bhi nahi keh paunga. वो जैसे सूरज है, मैं कुछ उनका शैडो हूँ। अभी आप लोगों के सामने बड़े तमीज से बात कर रहे हैं, इनकी असलियत आप दो को देखना है तो आप मेरे ऑफिस में आइए। आमिर, सवाल है मेरा, लेकिन मैं अद्वैत के बारे में कुछ कहना चाहूँगा। अद्वैत बहुत ही टैलेंटेड लड़के हैं और ये सही है कि वो मेरे साथ 10 सालों से साथ में हैं, और एक तरह से जो मेरी दो इंटर्न्स हैं इस वक्त, फातिमा और सानिया, मेरे पहले इंटर्न एक्चुअली अद्वैत रहे। ही इज बीन द पर्सन हु इज द ओरिजिनल इंटर्न जो मेरे साथ साथ में रहे हर कदम। और मुझे लगता है कि देखिए मैं कोशिश करता हूं कि जो कुछ मेरे पास है मैं वो शेयर करूं, लेकिन हर इंसान पे है कि वो आपसे क्या लेता है क्या नहीं लेता है। एंड आई थिंक जब से अद्वैत मेरे साथ काम करना उन्होंने शुरू किया, आई फाउंड हिम टू बी वेरी ब्राइट, वेरी इंटेलिजेंट। और अक्सर मैं अपने डिसीशंस में अद्वैत को शामिल करता हूँ, मैं उनकी राय जानना चाहता हूँ। तो ही इज़ वेरी ब्राइट एंड got a lot of potential, so I think that I'm very happy for him ki ye unki pehli film ban rahi hai aur itni achhi banayi hai unhone. Mujhe badi khushi hoti hai ki jo trust aur faith dono Kiran aur mujhe tha inme, he is completely stood up to that. Amir, here slightly towards your left. Amir, when we talk about superstars, especially in case of Bollywood, it's the image of a man that comes to mind. We have a lot of male superstars as compared to female. It's refreshing to see that the protagonist of your film is a woman and not a man. Yeah. Do you think Bollywood needs much more female superstar, and who do you think in today's times is the real female superstar? I think Hindi cinema mein female superstars hamesha se rahe hain. Nargis ji, Madhubala, matlab Vahida ji, they've been amazing superstars in our industry. Katrina hai, Deepika hai, Saif is waqt ki baat karun to, Shridevi, Madhuri Dixit, Juhi Chawla, we've had amazing Kajal, amazing superstars as female superstars. Mere paas kaladan bilkul nahi hai.
मैं सारे अपने टैक्सेस देते आ रहा हूँ आज तक, तो मेरे पास काला धन एक रुपया भी नहीं है. सो डू यू थिंक दैट तो मुझे कोई, मैं आपको जवाब दे देता हूँ, तो मुझे कोई फर्क नहीं पड़ा उस हिसाब से. दूसरे हिसाब से जो खर्च करने की बात आती है कि मुझे पैसे खर्च करने हैं, वो मेरा टैक्स दिया हुआ पैसा है, उसको खर्च करना है मुझे. मैं जो जितने मेरे खर्चे हैं वो सारे क्रेडिट कार्ड से होते हैं या मैं चेक देता हूँ. तो क्योंकि मेरे पास बैंक अकाउंट है, क्रेडिट कार्ड है, डेबिट कार्ड है और चेक से मैं देता हूँ, तो मुझे ज़ाती तौर पर मुझे इतना फ़र्क नहीं पड़ा. लेकिन मुझे अंदाज़ा है कि बहुत सारे लोगों को बहुत तकलीफ हुई है और मैं बहुत सेंसिटिव हूँ इस मामले में. आई फील सैड, बट आई ऑल्सो फील कि हमारे प्रधानमंत्री जी ने कोशिश की है और हमें सपोर्ट करना चाहिए उस चीज़ को, क्योंकि उनकी नीयत सही है, वो चाह रहे हैं कि देश को साफ सुथरा बनाए, तो हमें उसको सपोर्ट करना चाहिए. तो आपको लगता है कि कैशलेस होने से देश को फ़र्क पड़ेगा? देखिए, मैं एक्चुअली इकोनॉमिस्ट हूँ नहीं, तो मैं फिल्में जानता हूँ, फिल्मों के बारे में पूछिए, मैं वहाँ पर जवाब दूंगा. इकोनॉमी के बारे में मैं इतना कह सकता हूँ कि कोई अच्छी कोशिश कर रहा है, हमको उसको सपोर्ट करना चाहिए. अब वो कितनी सही है कितनी गलत है वो तो आपको इकोनॉमिस्ट बताएंगे, मैं इकोनॉमिस्ट नहीं हूँ. थैंक यू. कोई और सवाल लेते हैं. आमिर, आपकी फिल्म, मेरा सीक्रेट सुपरस्टार, मतलब कोई मेरी जिंदगी में सुपरस्टार हो, फोटो चाहूंगा यार, एक सेल्फी ले लूंगा उसके साथ. थैंक यू गाइस, थैंक यू सो मच, एंड लुकिंग फॉरवर्ड टू योर रिएक्शन ऑन द 23rd. होप यू लाइक इट. थैंक यू सो मच. थैंक यू. Thank you.